तो गाइस आज का वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा डिमांडेड वीडियो है भाई, क्योंकि आज हम लोग आप लोगों से मिलवाने वाले हैं एक सेलिब्रिटी से जो कुछ महीनों पहले बहुत ज्यादा फेसबुक ट्विटर हर जगह वायरल हो गई थी भाई। एक फीमेल सेलिब्रिटी है, तो आप लोग गेस करो कौन है। तो आप लोगों की गेस करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ, आज आप लोगों से मिलवाने वाला हूँ आप लोगों की प्यारी, आप लोगों की चाहिदी स्मार्ट दीदी नॉनदिनी दीदी। Yes, guys, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा, तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज खाएंगे पिएंगे, दीदी का हाथ का बना हुआ सब कुछ खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, बात करेंगे और नया नया डेस्ट पहन के चला सिर्फ दीदी के लिए। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मैं हूं शेख साइबर, आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल समीम ब्लॉगर। तो चलिए वीडियो को नंदिनी दीदी के पास आके शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं दीदी वहाँ पे है और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हैं वीडियो बनाने, तो उन लोगों को इंटरव्यू दे रही है दीदी अभी। तो तब तक मैं आप लोगों को दीदी का होटल दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा है होटल, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब अच्छा है, लोग आते हैं खाते हैं पीते हैं और ख़ास करके लोग आते हैं यहाँ पर दीदी का इंटरव्यू लेने, बिकॉज दीदी जो है बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है। अच्छा वो जो है वेस्ट बंगाल की रियलिटी शो दीदी नंबर वन में भी गई थी, तो वहाँ पे भी उनको बहुत सारा प्यार मिला। तो आज दीदी से बातें करेंगे और देखेंगे कि दीदी का बिहेवियर वगैरह कैसा है। लोग तो बहुत ज़्यादा ट्रोल किए हैं दीदी को फेसबुक में, तो आज देख ही लेते हैं। क्या बोल रहे हो समीम भाई? मैं भी सर्व कर दूं दीदी के साथ, हेल्प बिल्कुल कर दूं बिल्कुल बिल्कुल। আর এই পাস্তা দেখাতে পাচ্ছি একেবারে লাল লাল ঝালঝাল মটন কষা কিন্তু রেডি। দিদি আজকে কি দিয়ে হয়েছে, কোয়াস দিয়ে নাকি? আচ্ছা প্লেন হয়েছে, প্লেন হয়েছে। দেখো বাসন্তী পোলাও, এখন বাসন্তী পোলাও আমাদের, কালারটা দেখো আর গন্ধটা। দিদি বাসন্তী পোলাও তো আনলিমিটেড না, যত খুশি তত খাও। तो गाइस अभी दीदी जो सबको खाना सर्व कर रही है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तरीके की मछली वगैरह है। तो गाइस ये है दीदी की अम्मी जी यानी कि माता जी, भलो अचन तो और ये है दीदी के पिताजी। तो कैसे हैं अंकल? भलो तो। तो गाइस नंदिनी दीदी तो अभी कहीं चली गई है, उनके कोई गेस्ट आया है यहाँ पे, अंकल है तो अंकल से ही बात कर लेंगे। आपके यहाँ टोटल कितने आइटम है? यहाँ आइटम है आपका 7-8 आइटम है। अच्छा उस आइटम में क्या क्या होगा? जैसे कि जैसे देखिए भेज में है आपको मूंगी का दाल है, आलू का फ्राई है, बंधा गोभी का सब्जी है, इधर स्पेशल है आलू पोस्तो है, और ये नॉन वेज में है आपको रुई है, कतला है, चरापुना है, बाटा है, भोला है। अच्छा जो बासमती पुलाव है उसका दाम कितना है? बासमती पुलाव जो भेज आए उसका दाम है 70 रुपीज। अच्छा और मटन देखे है 260 और चिकन देखे है 150। तो फाइनली गाइस हम लोग ले लिया है बासंती पुलाव, नंदिनी दीदी का होटल जो फेमस अभी रथ यात्रा में जो शुरुआत किया, बासंती पुलाव और उसके साथ लिया मटन कोसा जो देखने में लाल लाल होता है लेकिन इसमें थोड़ा लाल कम है। तो चलिए खा के आप लोगों को इसका टेस्ट बता दे। थोड़ा सा बासमती पुलाव से शुरुआत करते हैं, चलिए ये थोड़ा सा लिया। ज़्यादा खास नहीं, ठीक ठाक ठीक ठाक। और इसके अंदर देखिए ये दिया तेजपत्ता, लौंग, किशमिश, काजू कहाँ गया भाई? काजू नहीं, काजू भाग गया भाई। ठीक है, खाने में ठीक ठाक है, ज़्यादा स्पेशल नहीं भाई। ये जो इतना नाम है ना, ये थोड़ा नाम पे ही चल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा ग्रेवी के साथ इसको टेस्ट करते हैं। ये थोड़ा सा ग्रेवी लिया भाई, ग्रेवी भी गर्म नहीं है, पूरा ठंडा है, इसके साथ मिक्स करके ऐसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, पैसा खाना नहीं है, नॉर्मल। और दूसरा जो दुकान है वो दुकान से भी ये नॉर्मल है एकदम, ठीक है।
एकदम ठीक ठाक चल जाएगा। पैसे देकर जो खाने आते हो एकदम ठीक ठाक पेट भरने के लिए खाइएगा, चला जाएगा बस, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा मटन के साथ टेस्ट करते हैं भाई। हम लोग पैसा देकर खाता हूँ, फ्री का नहीं, मैं भी गर्म करके नहीं दिया हम लोगों को। मटन बनाने का तरीका होता है, इसमें जो एक तो स्मेल आता है ना, वो स्मेल इसमें से नहीं गया, मटन से स्मेल रह गया इसमें। भाई मटन दिया, पैसा देकर खा रहा हूँ, गरम नहीं करके दिया, गरम नहीं है, पूरा ठंडा। ये जो पुलाव दे रहा है, कितना मगजमारी के बाद हम लोगों को मिला। कोई और आया बोल रहा है, हम लोग पहले आया बोल रहा था कि नहीं दूसरे के लिए रखा है, पहले हम लोगों को बोला हाँ तुम लोगों को देंगे। कोई चार चक्का चार पहिया लेकर आ गया, बोला है वो हम उनको देंगे, तुम लोग आज नहीं खाओ बाद में खाओ। कहा भाई हम लोग तो पैसा देकर खाऊंगा ना, जो पहले आएगा वही खाएगा, हम लोगों का कोई इज्जत नहीं है ना। तो वो भी दिया देखो, ये देखिए जला हुआ, ये देखिए कितना सख्त हो गया, ये देखिए जला हुआ। क्या बताओ आप लोगों को, आप समझ में आ रहा है सब लोग इसको ट्रोल क्यों करते हैं इसके बिहेवियर के लिए। इन लोगों का जो बिहेवियर है ना बहुत ख़राब है गाइस, इसीलिए इन लोगों को ट्रोल करते हैं गाइस। इसके अंदर जो है ना भर भर के एटीट्यूड, इसके अंदर जो एटीट्यूड है भाई, पता नहीं कौन चीज़ का एटीट्यूड है। ये अपने आप को सोच रहा है मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, इतना एटीट्यूड क्या बताऊँ आप लोगों को गाइस। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आए थे कुछ और करने, लेकिन हो गया कुछ और, हम लोगों को रियलिटी दिख गया। आप लोगों को जो यूट्यूब में देखता है टोटली फेक दिखता है भाई। हम लोगों ने सुना था बहुत अच्छा है, ये है वो है, लेकिन ये जो दीदी है नंदिनी दीदी, इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड भरा हुआ है अंदर। जैसा कि आप लोगों को दिखता है कि खाना जो है सारा वही सर्व करती है, ऐसा नहीं है भाई, उनके पास काम करने वाले लोग हैं, वो लोग सर्व करते हैं। वो एक बार जो सर्व करती है वो सारे यूट्यूबर लोग आते हैं, वही सब दिखाते हैं व्यूज़ के लिए, ताकि वो लोग बार बार आके यहाँ पे व्यूज़ ले सके। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो हमारा काम था भाई रियलिटी दिखाना, तो हम लोगों ने रियलिटी दिखाया। हम कोई झूठ नहीं बोलेंगे, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं तो आप लोग खुद आइए यहाँ पे और देखिए रियलिटी क्या है। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं आप लोगों की प्यारी चहेती नंदिनी दीदी के पास। आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था, खास करके इनकी जो स्माइल है इस पे तो सारे लोग भाई फिदा है। मैं खुद आया हूँ इससे, खास करके गले का ऐसा आवाज़ सुन के ना लोग भाग जाते, तुम फिदा बोल रहे हो। नहीं, आपकी आवाज़ बहुत मिलती है, वो कहने की बात है सिर्फ। तो खास करके जिस लिए आए हैं, डिमांड था हम लोगों के सब्सक्राइबर्स की दीदी के पास जाओ जाओ जाओ, फाइनली आज आ चुके हैं। आने के बाद हम लोगों को पता चला कि आज संडे है तो दीदी शायद नहीं है, उनका दुकान बंद होगा, बट हम लोगों का नसीब अच्छा आ गया। सच में मैं नॉर्मली संडे करके नहीं आती हूँ, नॉर्मली पापा मम्मी रहते हैं, बट आज क्या था ना, थोड़ा बहुत प्रेशर था काम का, तो मैं भी थोड़ा सा, हम लोग लकी है ऐसा मान सकते हैं, हम लोग लकी है। तो ऐसा लकी, तो टोटल आइटम आप लोगों का कितना सारा होगा यहाँ पे? संडे जब दुकान रहता है ना, ऑल्टरनेटिव सैटरडे संडे रहता है, तो उस टाइम पे आइटम्स कुछ कम रहता है, बट जो मेन आइटम्स रहता है वो सब रहता है। जैसे कि आपका आज था मेरा 30 रुपीज़ का जो थाली है जिसमें दाल सब्जी चावल और भाजी रहता है एक, वो था, और आलू चोखा रहता है वो था, उसके साथ साथ एड ऑन जो रहता है मटन चिकन फिश सब था। आज पुलाव था, आपने शायद से पुलाव ट्राई किया जी? बिल्कुल। कैसा बना पुलाव? तो बहुत ही अच्छा था गाइस। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि पुलाव आप अनलिमिटेड ले सकते हैं, दिन भर में बहुत सारी बार बनती है और बार बार ख़त्म भी हो जाता है, लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं भाई। मैं बना के खिलाऊंगी बिल्कुल, आप बैठिए आराम से, दीदी से बातें कीजिए और दीदी आप लोगों को बना के अपने हाथों से सर्व करके खिलाएंगी, बट खाना अपने हाथों से पड़ेगा, इतना तो नहीं करेंगी दीदी। तो जो भी है नहीं इतना करूंगी, जो तो फिर जो मेरे घर पे बैठे हुए हैं मुझे भी अपने हाथों से दिलाई करेंगे, लपिया देंगे सब मिलके। यही नहीं, अभी और सुनिए, सब मिलके नहीं, एक ही कौन है कोई, तो ये सब सीक्रेट बातें ये सब नहीं खोलेंगे हम लोग, समझ रहे हो आप। तो बाय द वे रथ यात्रा जो था, रथ यात्रा में कुछ स्पेशल ऑफर वगैरह आया था आपका? आया था, वो खत्म भी हो गया, वही कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे स्पेशल मेनू था अच्छा, जो कि बासुंदी पुलाव मटन चिकन और उसके साथ आलू दम अच्छा। जो आलू दम कभी बनता है कभी आलू पोस्त बनता है, वेरिएशन ऑफ रहता है, क्योंकि ये ऑफिस एरिया तो लोग खाना पसंद करते हैं,
जैसे पसंद करते हैं वैसे बना के खिलाते हैं। तो बस एकदम घर के स्टाइल में, ज्यादा नमक चीनी ज्यादा ऐसा तो होता ही रहता है। वो अगर क्षमा कर सकते हो और मुझे उतना प्यार दे सकते हो तो फिर प्लीज मेरे दुकान में आइएगा। मेरा दुकान है डलहौसी 3 नंबर कोयला घाट नियर GPO, GPO ठीक मेरे ऑपोजिट में है। और साथ ही साथ में अगर आप गूगल मैप में अगर नंदिनी दीदी होटल टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब गूगल मैप में नंदिनी दीदी का होटल टाइप करेंगे तो आ जाएगा नंदिनी दीदी होटल। नंदिनी दीदी होटल, अरे भाई वो फेमस है, फेमस BTM फेमस है। बट क्या है ना, कभी कभार क्या होता है, जैसे मेरा ये मेन बिजनेस ये है तो मैं इसमें ज्यादा फोकस करती हूँ, बाद में अगर टाइम मिले जैसे टाइम मिलता है वैसे मैं। तो गाइस जैसा कि लोग समझते हैं कि यूट्यूबर्स लोग अगर वीडियो बनाते आते हैं तो उन लोगों को अलग से कोई डिस्काउंट मिलता है या फ्री में मिलता है, तो ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, आप लोगों की गलतफहमी मैं दूर कर दूं। जो भी खाओ, जो भी ब्लॉगर मेरे दुकान में आज तक आया है ना, मुझे जितना पता है कि कोई कोई ऐसा है ना कि बहुत जल्दबाजी में जल्दी भूल गए हैं तो वो बाद में आके मुझे फ़ोन करके बोलते दीदी गूगल पे नंबर दो, गूगल कर पे कर देते हैं या फिर वो मुझे बाद में आके देखे जाते हैं। सो कोई भी ऐसा ब्लॉगर नहीं है जो फोकट में खाता है भाई, ब्लॉगर बनना भी बहुत डिफिकल्ट है। बात तो सही है क्योंकि मैं खुद भी एक ब्लॉगर हूँ अभी हूँ आप लोगों का डिमांड से। सो ऑफकोर्स मुझे भी पता है, मैं भी कहीं पर चली नहीं जाती हूँ फीका फोकट का खाने के लिए। सो कोई भी नहीं आता है। सो प्लीज़ कोई भी ऐसा कमेंट कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट मत करो, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इज्जत दो, आपको भी इज्जत मिलेगा। तो इज्जत कमाने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, वो तकलीफ करो और इज्जत करो। बिल्कुल, दीदी ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, जैसे कि ये दीदी नंबर वन में गई थी वेस्ट बंगाल का एक रियलिटी शो। नंबर वन का एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। दीदी नंबर वन में जब गया था ना दीदी, नंदिनी दीदी का नाम था, नंदिनी दीदी कौन है, रोचना दीदी या नंदिनी दीदी है? और आपको मैं सोच रहा था आप हो होस्ट दीदी नंबर वन का, सच में मैं ऐसा सोच रहा था। I'm sorry, दीदी माफ कर दीजिए। उसके बाद मेरे को पता चला नहीं नंदिनी दीदी है। दीदी के साथ मुलाकात करने गई थी क्योंकि दीदी की बहुत बड़ी फैन मेरी मम्मी है, सो दैट्स व्हाई मैं गई थी खुद। तो आपका जर्नी जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ था, फिर भी आप अभी भी इसी जगह है, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए फिर भी अपना जो एटीट्यूड वगैरह है उसको नहीं बढ़ने दिया और उसको अपने मतलब कंट्रोल में ही रखा। चल झूठ, बंगाली में कहावत है कि अहंकार पतनेर मूल, अहंकार पतनेर मूल, अहंकार पतनेर मूल। जो हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो बोलोगे कि घमंड इंसान को खत्म कर देता है, मीन्स बिल्कुल खत्म का रास्ता है। तो वो जिस दिन आ जाएगा सोच लेना कि नंदिनी दीदी फिनिश्ड। अच्छा बिल्कुल गाइस, कोई भी हो सिर्फ नंदिनी दीदी क्यों, जिसके अंदर भी घमंड आया वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये मेरे साथ खड़े होकर बात कर रही है इस तरह से इतने देर से, तो इनके अंदर कैसे घमंड हो सकता है। बाय द वे गाइस, जो भी है इससे मिलकर अच्छा लगा तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है। अब दीदी बोल दीजिए लाइक वगैरह करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और आप कुछ कमेंट करना, कमेंट में जो पॉजिटिव है वो बताना, नेगेटिव है नेगेटिव बताना, सही गलत क्या है वो सब बताना ताकि वो अपने लाइफ में और भी इम्प्रूव कर सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, देखते रहो इनका वीडियो। थैंक यू। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो गाइज फाइनली हम लोगों का सब कुछ कंप्लीट हो गया है, समीम भाई ने खाया यहाँ का पुलाव और मटन, मैंने तो कुछ नहीं खाया बिकॉज आप लोगों को रियलिटी जो है वो बताया, बहुत सी चीज़ें सच भी है बहुत सी चीज़ें फेक भी है। तो आप लोगों को जो जैसा लगा अपनी अपनी राय कमेंट में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। बंद करो हाथ जोड़ के मैं।